हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। हमारी स्वर संधि, स्वर संधि में हमारी संधियाँ हो गई थी, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सब संधियाँ हो गई थी। उसके बाद हम व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा हम पढ़ेंगे। व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्यंजन का यानी कि जो कह के गड़े होते हैं ना, वो व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हल संधि भी कहते हैं, इसे हल संधि भी कहते हैं। जैसे वागिस वाक प्लस ईस है, यहाँ स्वर ई के साथ मेल होने पर क के स्थान में ग परिवर्तन होकर वागिस शब्द बना है। अब देखो एक नोट दे रखा है, इसको ध्यान रखना है। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, उनमें से सचुतव, षटुतव, जस्तव और चरतव एवं अनुस्वार भेदों का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। 10th क्लास में जस्तव संधि दे रखी है अपने और अनुस्वार मनुस्वार भी दे रखी है। अब हम व्यंजन संधि की चस्तव संधि पढ़ेंगे। चस्तव संधि देखो, चस्तव संधि का सूत्र है, चस्तव संधि का सूत्र है सतो है सचुना सचु। देखो सतो है सचुना सतु सचु है। देखो जब देखो जब सैवर्ण, जब सैवर्ण अथवा तय वर्ग, स तो वर्ण है अथवा तय वर्ग, तय थे दे दे ने के आगे या सामने सैवर्ण अथवा चय वर्ग चे जय जय हो तो सैवर्ण को स आदेश, सैवर्ण और तथे दे देने को तय वर्ग को कर्मशः चय वर्ग चय छय जय जय चय वर्ग हो जाता है। अर्थात स के आगे जे सलेट वाला है स, इसके आगे सलगम वाला स है या चय वर्ग चय छय जय जय का कोई वर्ण होगा तो स के स्थान पर क्षय हो जाता है। इसी तरह तय के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ और द के स्थान पर ज और ध के स्थान पर झ तथा न के स्थान पर अण हो जाता है। इसी को सचुतव संधि कहा जाता है। यानी कि पहला वर्ण है उसके साथ अगले का पहला वर्ण बदल जाता है और जैसे तय वर्ग का द्वितीय वर्ण है तो उसी प्रकार सैवर्ण चय वर्ग का द्वितीय वर्ण छय उसमें बदल जाए, जैसे बदल जाता है। इसी को हम सचुतव संधि कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण दे रखे हैं, देखो हरीश प्लस सेते, हरी सेते, हरीश सेते। अब इसमें देखो हरीश हरीश सह सह है, सह के हलंत लग रहा है, अर्ध है, तो आगे हमें सेते ये सलगम वाला सह दे रखा है तो जो सलेट वाला सह है वो किस में बदल जाएगा, सलगम वाले सह में बदल जाएगा, सह को सह होने पर। देखो रामस प्लस चिनौती, रामस चिनौती, सह को सह होने पर। देखो सत प्लस छात्र, सत छात्र। देखो आगे छह वर्ग दे रखा है, छह वर्ण दे रखा है तो ये तय वर्ग है तो हमारा इसमें छह वर्ण में बदल जाएगा। तय वर्ग का प्रथम वर्ण है तो ये छह वर्ग आगे दे रखा है तो छह वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, छह वर्ग, तो हमारा तय किस में बदल गया, छह में बदल गया। इतने सच छात्र है, तय को छह होने पर। ऐसे ही कथ प्लस झटती, कथ झटती, थय को छह होने पर। उद प्लस जवल, देखो इसमें उद प्लस जवल, आगे हमारा जय वर्ण दे रखा है और इधर हमारा दय वर्ण है तो इसका हम तृतीय वर्ण हो जाएगा उज्जवल, दय को जय होने पर। ऐसे ही सद प्लस जन, तो इसका क्या बन जाएगा, सज्जन,
धय को जय होने पर, बंद प्लस जटती बज जटती धय को जय हो गया, सार्दिनन प्लस जय सार्दिनन जय है नय को अणय होने पर, शत्रुन प्लस जयती, अब देखो शत्रुन नय है इधर जय है, ये क्या बन गया अपना शत्रुष्ट अणय जयती, नय को क्या हो गया अणय होने पर। ओके स्टूडेंट, अपनी ये व्यंजन संधि की सचुतव संधि के उदाहरण है, ये अपना एक टॉपिक संधि का खत्म हो गया है। ओके okay?